गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू टूडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 5 पे। चैप्टर का नाम है मनी 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 मनी। किसको नहीं पसंद मनी, सबको चाहिए मनी। सो आज हम जो मनी का चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारे पास्ट के शुक्राने करने का। पास्ट में जो हमारे पास पैसे आए, मतलब जब हम नहीं कमाते थे तब जो पैसे आए उसके लिए थैंक यू बोलने का चैप्टर है आज। सो देखेंगे और चैप्टर में। बिफोर दैट हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। कल का होमवर्क किया, चार बार थैंक यू बोला, कैसा लगा? कुछ कोई क्वेरी, कोई डाउट अभी तक की जर्नी की? अफर्मेशन के ऑडियोज भेज रही हूँ, कौन कौन सुन रहा है, किस किस ने अपने बनाने की मतलब विचार किया है, कौन राइस एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया है। ऑडियो तो हम सब सुन रहे हैं हाँ जी, पर अभी कुछ स्टार्ट नहीं करा है। और आज सुबह का होमवर्क मेरे से मिस हो गया। वो स्नान करने के टाइम पे जो करना था वो मेरे दिमाग से उतर गया, तो मैं नहीं कर पाया। तो उसका एक आइडिया है कि पोस्टेट लगा लो, जहाँ पे साबुन रखते हैं ना अपन, वहाँ पे पोस्टेट लगा लो, थैंक यू लिख दो उसके ऊपर, वो अपने आप याद आ जाएगा। वही करना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ा ये लेट भी हो गया मैं उठने में और जल्दबाजी में मेरे दिमाग से भी निकल गया। जी जी चलिए, और कौन बताएंगे कैसा चल रहा है जर्नी? गुड इवनिंग विनीश जी, गुड टू सी यू। सेम हियर। बहुत अच्छा दिन पे आए हो वैसे आप। आज मनी 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 का चैप्टर है। अच्छा, मैं रैंडमली आई एम गेटिंग बोर, मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं अगर क्लास ज्वाइन कर सकते। जरूर जरूर, कभी भी ज्वाइन कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू वेरी मच। यस, किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर करना, कोई क्वेश्चन नहीं, मैं इतना अच्छा पढ़ाते हूँ, वाह थैंक यू। गुड गुड, चलिए फिर चैप्टर ही शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई बात नहीं बतानी है तो फिर मैजिक मनी आज का जो पिक्चर है उसमें बहुत सारे डॉलर नोट्स रखे हुए हैं बैग के अंदर। सो आगे अब जब भी हम पढ़ेंगे, अब देखो ये किताब तो लिखी गई थी 2006 से पहले। सो अब जब मनी बोलते हैं अपन तो उसमें पेटीएम भी आ जाता है, फोन पे भी, मतलब जितनी भी ऐप्स अपन यूज़ करते हैं, गूगल पे ये वगैरह, वो सब भी आ जाती हैं, प्लस चेक्स भी आ जाते हैं, प्लस ऑनलाइन नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी आ जाते हैं। सो जहाँ भी हम मनी वर्ल्ड पढ़ें वहाँ पर सब कुछ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी माने आप ही इसको। सो आज का कोट, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। सो कहने का इसका तात्पर्य ये है कि विपन्नता से यहाँ पे मतलब है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब ये नहीं है बिल्कुल एकदम खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाएगी, एकदम ऐसे पैसे नहीं रहेंगे, वैसा नहीं है। पर शिकायत करते रहेंगे अगर हम पैसों की, तो कभी भी पैसा जितना हम चाहते हैं उतना कभी नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं 5 लाख आ जाए हमारे को, 5 लाख हमारा बैलेंस हो जाए, तो 5 लाख कभी टच नहीं कर पाएंगे हम, हमेशा हमारी चाहत से नीचे ही रहेगा वो लेवल। सो शिकायत नहीं करनी है, शिकायत विपन्नता को यानी कि पॉवर्टी को इनवाइट करती है, इसलिए शिकायत नहीं करेंगे। अब शिकायत का मतलब यहाँ पे सिर्फ पैसे का शिकायत से नहीं है, हर वो चीज़ जो पैसों से खरीदी जा सकती है उसकी शिकायत करने का मतलब है आप पैसों की शिकायत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने कहा कि अरे बाप रे इतना बिल आ गया है बिजली का, बस शिकायत कर दी आपने पैसों की, क्योंकि आपने वो बिल कैसे भरा, पैसों से। आपने किसी चीज की कॉस्टिंग की शिकायत कर दी, इतना महंगा, इतनी महंगी कोई होती है क्या, बस वही होती है शिकायत पैसों की। सो पैसा क्या है? पैसा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू अपन कुछ सुख सुविधाएं, कुछ वस्तु खरीद सकते हैं, या तो गुड्स खरीद सकते हैं या सर्विसेज खरीद सकते हैं। सो वो गुड और सर्विस की शिकायत अगर आपने कर दी तो इसका मतलब आपने पैसों की शिकायत कर दी। कोई आईफोन चाहिए था अपने को, किसी पड़ोसी ने खरीद लिया या किसी दोस्त ने खरीद लिया और अपने को जेलेसी हो गई, शिकायत हो गई। किसी कलीग का प्रमोशन हो गया, आपको चाहिए था प्रमोशन, उसका प्रमोशन हो गया, शिकायत हो गई, आप जल गए, जेलस जेलस फील कर लिए, शिकायत हो गई। आपने अपने बोलते ना बुढ़ापे की चिंता हो रही है मुझे, तो मेरा क्या होगा। ओके ओके ओके, गो ऑन म्यूट अनिता मासी। या सो आपने अगर अपने बुढ़ापे की चिंता कर ली, बस हो गई शिकायत।
आपने कोई चीज इन्वेस्ट किया और उसके मतलब जैसे म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में अपन पैसे लगाते हैं या सोना वोना खरीद लेते हैं अपन जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके रिटर्न की अपन ने एक टेंशन ले ली, हो गई शिकायत। सो कोई भी चीज अनोइंगली अपन शिकायत कर देते हैं और अपने को पता नहीं चलता है। तो आज चैप्टर में थोड़ी चीज थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स कवर किए हैं तो उनको ध्यान से सुने और प्लीज शिकायत करना एकदम बंद कर दें। यस वुड लाइक टू रीड टुडे। मतलब हम कोई चीज खरीदते तो बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए क्या? बार्गेनिंग बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन क्या बोलते हैं जब अपन पैसे दे रहे हैं ना तब अच्छे मन से देंगे। तो वो अभी अपन चैप्टर में कवर करेंगे, वो पॉइंट भी मैं कवर करूंगी तो आपका। अपन तो इन जनरली अपन बार्गेनिंग करते तो सामने वाले कहते भैया बहुत महंगा है, थोड़े हिसाब से लगाओ। वो सामने वाले ने शिकायत करी ना, अपन ने नहीं करी। बताऊंगी मैं उसका भी तोड़ बताऊंगी, क्योंकि देखो अपन भी बहुत सारी जगह पे चीजें खरीदते हैं, अपन भी जाते हैं, मोल भाव करते हैं कि भाई सब्जी वाले सेल कर लेते हैं रोज। तो यस उसका भी कवर करेंगे अभी अपन। हु वुड लाइक टू रीड टुडे? मैं पढ़ू दीदी? हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। दीदी थोड़ा सा जूम कर दीजिए ना। बोलो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। और करूँ जूम? देखो बच्चा, थैंक नहीं बस हो जाएगा दीदी। यू। स्टार्ट करूं? हाँ जी यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांधनी कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, संकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेके शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा करेंगे वैसा वैसी एनर्जीज आपके पास में लौटती आएंगी। आप शिकायतें करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो वैसी ही चीजें आप और अट्रैक्ट करते चले जाओगे, और ऐसे मौके आएंगे कि आप और शिकायत करो, और ऐसे मौके आएंगे कि और आप और जलो, और दूसरे कलीग्स के प्रमोशन होते चले जाएंगे और दूसरे लोगों के फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हो तो उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे, आपके नहीं बढ़ेंगे। धन के से रिलेटेड यहाँ पे जो धन है ना वो सक्सेस इन एवरी फील्ड है। आप जो बिजनेस करते हो उसमें भी अगर आपने अपने फेलो बिजनेसमैन जो भी आपका ही सेम बिजनेस कर रहे हैं शायद, तो उनसे अगर अपन जल गए तो यस अपन पैसों से जल गए, अपन उन्नति से जल गए, तरक्की से जल गए, तो यस बुरा महसूस, किसी को बुरा महसूस कराना। बच्चों को अक्सर अपन कह देते हैं पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, अक्सर कहते हैं अपन ये बात, बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अपन पैसों के बारे में बुरा फील करा रहे हैं उनको, तो पैसे को अपन नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। स्विचेस ऑन रख देते हैं, लैपटॉप ऑन रख देते हैं बच्चे, तो अपन कह देते हैं कि बिजली का बिल कौन भरेगा, ऐसे नेगेटिवली अपन बोल देते हैं कि बिजली क्या फोकट में आती है, इस तरीके से बोल देते हैं अपन, नहीं बोलना चाहिए। उनको डिसिप्लिन करने का एक अलग तरीका भी हो सकता है, प्लीज उसको ही अपनाएं। उनको समझाएं कि भाई इससे एनर्जी वेस्ट होती है, हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, एनर्जी कंजर्व करनी है, ये बात सिखाएं। ये ना सिखाएं कि एनर्जी कंजर्व करोगे तो बिजली का बिल कम आएगा, ये ना सिखाएं। बात करने के तरीके बदलने होंगे हमें, हमारे जो पुराने जमाने से जो चलते आ रहे हैं डायलॉग्स वो मारने बंद करने पड़ेंगे हमें। एक कहीं ना कहीं किसी को तो एक स्टॉपेज लगाना पड़ेगा उन बातों पे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी ये शिकायत का ये जो एक क्रम चलता है ना अपने पीढ़ी दर पीढ़ी, वही डायलॉग्स बाबा दादा सब बोलते आए हैं, वही डायलॉग्स हम सीख गए हैं और वही डायलॉग्स हम अपने बच्चों को मारते हैं, और शायद हमारे बच्चे भी वही आगे जाके वही मारेंगे वही डायलॉग्स। इसलिए बिल्कुल आलोचना ना करें। जितनी आलोचना करते हैं आप पैसों की या पैसों से खरीदी जा सकने वाली चीजों की या गुड्स एंड सर्विसेज की भी, उतना ही हम उन आलोचना करने वाले सर्कमस्टेंसेस को और अट्रैक्ट करते हैं। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतघ्न होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है
उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सभी उससे ले लिया जाएगा। बिल्कुल। कभी भी अपन जब अपनी, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे कोई होम लोन चुकाना है या अभी वायरस सिचुएशन के कारण लॉकडाउन में बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है हमारा, तो अगर हम उसी उसी के बारे में बातें करते रहते हैं कि अच्छा लॉकडाउन लगा, धंधे पिट गए, ये हो गया वो हो गया, जो कि हम अक्सर बोलते ही हैं, ऑफकोर्स हम सभी को यही बोलते हैं कि बिल्कुल खराब टाइम चल रहा है, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब ये स्थिति सुधरेगी, पता नहीं। सो बिल्कुल नहीं बोलें ये, जितना अपन बोल रहे हैं उतनी एनर्जी दे रहे हैं अपन, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। इमोशन, एनर्जी इनटू मोशन, इमोशन, कौन से इमोशन की बातें कर रहे हैं आप, कौन सी एनर्जी को मोशन दे रहे हैं आप, ये बहुत मायने रखता है। चाहे कितना भी अभी प्रॉब्लम में है अपन, कितनी भी प्रॉब्लम है, 5 लाख रुपए का बिजनेस करना चाहते थे लेकिन अभी सिर्फ 1,000 रुपए का भी बिजनेस हो रहा है ना, तो उस 1,000 रुपए के लिए कृतज्ञ हो जाइए, तब जरूर आपके पास में वो 5 लाख रुपए का बिजनेस दौड़ा चला आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपकी जो भी वर्तमान स्थिति है, कैसी भी है, जेब में अगर अपने 500 रुपए का नोट है तो उसके लिए ही थैंकफुल हो जाइए। जैसे ही आप ये करेंगे, आप इमोशन, एनर्जी इनटू मोशन जो है वो पॉजिटिव कर दोगे और वो पॉजिटिव एनर्जी घूम के आपके लिए पॉजिटिविटी ही लेके आएगी। आप जो करोगे उसमें अच्छा ही होगा। शिकायत करने से आपका धंधा ठीक नहीं चलने वाला है, उसके बारे में ठीक से बार बार बातें करने से वो ठीक नहीं चलने वाला है। स्टॉप इट। यस दी, थोड़ा सा जूम कर दीजिए ना। हाँ, ये ऊपर भी कर लेती हूँ। ठीक है। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता है कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसीलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी कर रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या नेक्स्ट पेज या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। सो आज की असाइनमेंट हमारी 2 फेजेस में है, 2 असाइनमेंट्स हैं आज। एक, हमें अपने बचपन में जाना है, मतलब जवानी में भी, चलो ठीक है, जब तक अपन कमा नहीं रहे थे बेसिकली, तब तक की बातें याद दिलाने, ये क्वेश्चंस पूछती जाएंगी आगे, अपन को उसका जवाब देते रहना है कि किसने अपने लिए पैसे खर्चे किए जब अपन नहीं कमा रहे थे। सो उसको, उस इंसान को और उस पैसे को थैंक यू बोलना है। जैसे जैसे अब मैं पढ़ूंगी और जैसे जैसे मैं ये पढ़ रही हूँ क्वेश्चंस, आप अपनी अपनी लाइफ में सोचें कि किसने किसने खर्चा किया था, किसने उस समय खाना खिलाया, किसने जो भी ये क्वेश्चंस पूछेगी उसका आंसर कौन है। अगर है, अगर उस समय आपके पास में ये सब चीजें थी, तो थैंकफुलनेस जरूर देनी है अपने को। पास्ट के थैंक यू पहले कंप्लीट कराएंगी अपने से, फिर प्रेजेंट के फिर प्रेजेंट के थैंक यू उसकी एक्सरसाइज आएगी चैप्टर नंबर 9 में, और फिर फ्यूचर का एक चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 17 में। सो आज का जो असाइनमेंट है वो, जब हम नहीं कमा रहे थे तब भी हमारे खर्चे किसी ने उठाए तो उसको थैंक यू देने का है। उस समय जो धन हम पे खर्च किया गया उसको थैंक यू देने का है। देखो, जब भी अपन कोई चीज, जापान का एक बहुत ना फेमस राइटर है केन होंडा, अगर आप में से किसी को किताबें पढ़ने का शौक है तो उसकी एक बुक है आरिगाटो इन आरिगाटो आउट। उसमें वो बात करता है, आरिगाटो का मतलब होता है थैंक यू जापानीज में। सो उसमें वो बात करता है कि जब भी आप पैसा दो, आरिगाटो इन आरिगाटो आउट। सो जब भी आप पैसा ले, आरिगाटो इन, जब भी आप पैसा दो, आरिगाटो आउट। सो जब भी आप पैसा ले, थैंक यू बोले, जब भी आप पैसा दें, थैंक यू बोले।
सो अगर अपन ने सब्जी खरीदी 20 रुपए की, सपोज 22 रुपए की, और मैंने 30 रुपए दिए, तो बदले में उसने जब 8 रुपए दिए ना, वो आया पैसा मेरे पास, तो मुझे वो 30 रुपए देते वक्त भी थैंक यू बोलना है, और वो जब मेरे पास 8 रुपए चेंज आए तब भी मुझे थैंक यू बोलना है। नाउ अनदर एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपए दिए, 100 रुपए का बर्गर खरीदा, 100 रुपए दिए, थैंक यू बोलना है, बदले में बर्गर खरीदा, बर्गर आया मेरे पास में 100 रुपए की वैल्यू का, तो भी थैंक यू बोलना है। सो जरूरी नहीं है कि पैसे के बदले पैसा मिले तो थैंक यू बोलना है, पैसे के बदले अपने को कोई गुड्स या सर्विसेज मिली है उसको भी अपने को थैंक यू बोलना है। अरिगाटो इन अरिगाटो आउट, जितना आप इसको ब्लेस करोगे पैसे को, जैसे अपन ने वो एक कुर्सी वाला मैंने भेजा कि अपन ने ब्लेसिंग दी उनको, तो वो हवा में उठ गए, देख लिया आप लोगों ने सबने वो वीडियो जो मैंने ग्रुप में भेजा था। सो जब अपन पैसे को ब्लेस करके भेजते हैं, पैसा जब वापस आता है ब्लेस करते हैं, तो हमारे चारों और जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज अपन यूज कर रहे हैं ना, वो सब अपने आप बदले में ब्लेस हो जाती हैं। धन में जरूर मैजिक्स देखने शुरू हो जाओगे आप लोग। अब जरूरी नहीं है कि कोई करोड़ों लाखों रुपए की कोई डील आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, कोई बड़ा मैजिक हो जाएगा, ऐसी जरूरी नहीं है। छोटे छोटे मैजिक से शुरुआत होगी, बाय वन गेट वन फ्री, कोई जो चीज आपको चाहिए थी कोई आपको शायद गिफ्ट कर देगा, कोई चीज जो आपको खरीदनी थी उस पर कोई डिस्काउंट स्कीम आ जाएगी, कोई मतलब इस तरीके से होता है ना ये सब कुछ, कि अपने को अपनी आंखें और कान खुली रख के ही पहचानने पड़ेंगे ये सारे सर्कमस्टेंसेस, अदरवाइज हम नहीं पहचान सकते। आंखें बंद ही रहती है हमारी, हमारे सामने होते रहते हैं मैजिक्स, लेकिन हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। अब और क्योंकि एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो फिर वो चले जाते हैं हमारे घर से दूर। सो इसलिए हर छोटी छोटी चीज को हम एक्नॉलेज करेंगे आज के बाद से। छोटा सा भी कोई डिस्काउंट मिल गया या कैशबैक मिल गया या किसी ने हमें कोई चीज ला के दी, खूब सारा थैंक यू फील करेंगे। सब्जी खरीदने के लिए पेमेंट ऐप से आपने पेमेंट किया, जैसे ही ट्रांजेक्शन के लिए ओके दबा रहे हो, ओके प्रोसीड, बहुत अच्छे इमोशंस से पैसे दो। किसी को आप पैसा दे रहे हो उधार पे, कभी भी इस भावना से मत दो कि वापस लौटाएगा कि नहीं। अगर आपको वो भावना है तो उस समय वो ट्रांजेक्शन मत करो, चाहे आप बैंक से कर रहे हो, चाहे पेटीएम से कर रहे हो, फोन पे से कर रहे हो, वो ट्रांजेक्शन उस समय मत करो। अच्छी भावना लेके आओ कि भगवान करे ये पैसा इसको खूब फले, ऐसे करके उसको ब्लेस करो और फिर ही वो क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन ओके करो। ऐसा करने से आप पैसे को ब्लेस कर रहे हो, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स घूम के आपके पास जरूर आएंगी। क्या एनर्जी आप सेट कर रहे हो इनटू मोशन, किस इमोशन से आपने ट्रांजेक्शन किया है, बहुत बहुत मायने रखता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव इमोशन में हो तो कोई डील साइन ना करें, कोई चेक साइन ना करें, कोई पेमेंट ना करें। कभी किसी से पेमेंट ले रहे हो बेमन से ना लो। कभी होता है ना कोई कोई अपने को लिफाफे पकड़ाते हैं तो अपने को अंदर ही अंदर एक क्या बोलते हैं ना कैलकुलेशन चालू हो जाती है कि अरे इन्होंने अब लिफाफा पकड़ा दिया, बदले में मुझे देना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ कुछ चलता है हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना करें ये, बहुत प्यार से स्वीकार करें उसको। आपको नहीं रखना है, उसमें 1 रुपया डालो, वापस पकड़ा दो उनको या उनके बच्चों को, जैसे भी अपने जो भी करते हैं अपन उत्तरम पात्रम के लिए। कभी भी पैसे को मना मत कीजिए, जब भी आए स्वीकार करें उसको, बिल्कुल प्यार से स्वीकार करें, स्वागत करें उसका हमेशा। यस, तो अब मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, आप लोग आंखें बंद करें और पूरे दिल से इसको सुन के जवाब दें अपने मन ही मन की आपके साथ में ये किसने किया था, किसने आपका खर्चा उठाया था। काफी सारे पॉइंट्स मैंने ग्रेटिट्यूड का जो विजुअलाइजेशन करवाया था डे टू पे उसमें कवर कर दिए, लेकिन फिर भी ये अब आज सिर्फ पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिएगा। यस, सो क्लोज योर आईज एंड आई विल रीड। सो हम अपने बचपन में जाएंगे जब हम पैसा नहीं कमा रहे थे। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? आपका मनपसंद खाना, आपको जो चाहिए था वो मिलता था? जो ड्रिंक चाहिए थी वो मिलती थी? बॉर्नविटा चाहते थे तो बॉर्नविटा मिलता था, हॉर्लिक्स चाहते थे तो हॉर्लिक्स मिलता था, ऑप्शंस मिलते थे अपने को, कौन लाता था?
उसको थैंक यू कहें, उस पैसे को भी थैंक यू कहें। क्या आप किसी मकान में रहते थे? शायद किराए पे, शायद अपना खुद का घर। घर किसने बनाया था? घर का किराया कौन देता था? सर पे एक छत थी, उसको थैंक यू कहें, उस किराया भरने के लिए या उस घर को खरीदने के लिए जिसने पैसे खर्च किए उसको थैंक यू कहें। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? लकी यू। बहुत से लोगों के को तो है ना एजुकेशन ही नहीं मिल पाती है। किसी ने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी, अपनी मेहनत की कमाई आपके ऊपर खर्चा कर दी, आपकी शिक्षा के ऊपर खर्चा कर दी, उस इंसान को थैंक यू, उस धन को थैंक यू। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? रिक्शा, टोंगा, स्कूल बस, ऑटो। स्कूल में बुक्स कौन दिलाता था? लंच बॉक्स कौन दिलाता था? पेंसिल्स, न्यू इरेजर्स, नई नई पेंसिलें घुमा के आ जाते थे हम, फिर भी हमें नई पेंसिल दिलाई जाती थी। हर साल ड्रेस छोटी हो जाती थी, यूनिफॉर्म छोटी हो जाती थी, फिर भी नई यूनिफॉर्म दिलाई जाती थी। हर साल जूता छोटा हो जाता था, फिर भी नया जूता दिलाया जाता था। कैंटीन में पार्टी देने के लिए पैसे दिए जाते थे, पॉकेट मनी दी जाती थी, किसी और ने दिया वो सब कुछ हमारी खुशी के लिए, ताकि हम पढ़ सकें। से थैंक यू। बचपन में छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? कैसे गए थे? ट्रेन से, फ्लाइट से? कहाँ रुके थे? होटल में, रिश्तेदार के यहाँ पे? उस रिश्तेदार के भी पैसे लगे थे? उस होटल के कमरे का किराया लगा था? से थैंक यू। क्या आपको जन्मदिन पर रोमांचक उपहार मिले थे? उन सभी गिफ्ट्स पे पैसा खर्च हुआ था जो किसी और ने खर्च किया ताकि आपका बर्थडे अच्छा जाए? से थैंक यू। क्या आपके पास साइकिल थी? खिलौने थे? पालतू जानवर था? किसी और ने दिलाया और शायद हमने एक या दो दिन खेल के उसको, उस खिलौने को कभी हाथ भी नहीं लगाया? से थैंक यू। फिल्म देखने जाते थे या कोई क्रिकेट मैच या रग्बी मैच या कोई हॉबी? आपने कोई गिटार सीखा या कोई पियानो सीखा बजाना या पेंटिंग क्लासेस, एम्ब्रॉयडरी क्लासेस, कुछ ऐसा? उन सभी के लिए पैसा लगा जो किसी और ने दिया। सो से थैंक यू। कभी बीमार पड़े थे आप? डॉक्टर के गए थे? दवाओं पे किसी ने खर्च किया था? किसी ने अपना टाइम आपको दिया था? डेंटिस्ट, से थैंक यू। क्या आपके पास टूथब्रश, टूथपेस्ट, मनपसंद साबुन, शैम्पू, ये सब था? आपका फेवरेट टूथब्रश लेके आते थे फेवरेट कलर का?
से थैंक यू। आपके पास कार थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पेट्रोल कौन भराता था, चलाता कौन था, अपना टाइम कौन देता था उसको चलाने में, घर पे टीवी था, फोन था, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि ये सभी चीजों के लिए धन की जरूरत होती है और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी, जो किसी और के मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदी गई थी। थैंक यू टू दैट पर्सन एंड थैंक यू टू दैट मनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब भी आप कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोलें, दोनों हाथों को रब करें और आंखों पे लगाएं, उसी के बाद आंखें खोलें। Anybody would like to share your experience? As usual, बहुत अच्छा रहा। सारा बचपन आ गया आंखों के सामने। सारी चीजें कि बॉम्बे गए, गोवा गए, बीच पे गए, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ जो हमें मिले सब आ गए। अपने फादर की मेहनत आ गई सामने। आज ये बचपन का सब पूरा देख के मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत सारा थैंक यू बोला। सब उन्हीं की बदौलत हमें मिला था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वेरी नाइस और वाकई में हमने अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लिया, कभी थैंक यू बोला भी नहीं। और अब ऐसा लगता है कि वाकई में वी हैव मिस्ड सो मच। सॉरी कौन नेहा जी। हाँ नानी जी बोलिए। गांव की नदी में बहुत घूमे हैं, खेली में गांव को गावड़ा था वहां पे बहुत खेले कूदे और बैलगाड़ी में घूमे जब गार नहीं थी। हाँ सब याद आ गई बचपना। वेरी नाइस। हाँ मस्ती बहुत किया है नदी पे। Very nice. Thank you, Nani ji. Yes. Anyone else? हमारे ननियाल में महाराष्ट्र की एक बड़ी नदी निकलती है, तापी नदी बोलते हैं उसे। अच्छा। काफी बड़ी रिवर, उसी के किनारे से हमारे ननियाल था। ओके। वहीं पर भी हमारे मामा जी मौसी जी वगैरह सब रहते थे। ओके ओके। बड़ा अच्छा लगता था और उस समय जल प्रदूषण भी इतना नहीं था, तो बहुत अच्छा। Very nice. Very nice. चलो आज सब बचपन की सैर करा है, मतलब दो तीन दिनों से बचपन में पहुंच रहे अपन। वेरी नाइस थैंक यू। एनीवन एल्स एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू शेयर? नो। चलो फिर चैप्टर शुरू करते हैं फिर से। सो जैसा कि अभी नीरज मामा ने कहा कि एहसान उनको थैंक यू बोलने से बहुत हल्का महसूस हो रहा है। सो एक टिप मैं देती हूँ अपनी तरफ से, फोन उठाइए और कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाइए और ए टाइप कीजिए। ए से जितने नाम आते हैं उनमें से किसको किस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं याद कीजिए, और हो सके तो फोन मिला के थैंक यू बोल दीजिए। नहीं कॉल करके थैंक यू बोलना तो मनी मन में तो थैंक यू जरूर बोल दीजिए, फॉर श्योर।
बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है जब ये एहसान उतारने लगते हैं ना अपन, तब अपने असेट्स बिल्ड होने शुरू होते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट अगर आप लोग हैं तो जितनी लाइबिलिटीज अपन उतारेंगे ना, ये कर्ज उतारेंगे, उतनी जल्दी अपनी असेट साइड बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। सो जरूर ये एक टिप है जो फॉलो करिए, बहुत अच्छा लगता है। मैंने खुद ने फोन लगाए हैं बहुत जनों को, बहुत अच्छा लगता है पुरानी बातों के लिए थैंक यू बोलना, उसको याद करना और फिर सामने वाले को एक्नॉलेज करना कि यार तूने उस दिन मेरे लिए वो किया था ना, बहुत अच्छा लगा था मुझे, आज भी याद है मुझे। तो देखो कितने अच्छे संबंध भी अच्छे बन जाते हैं फिर अपने, पुरानी बातें याद करने से ना दिमाग में पुरानी फाइलें आगे आती चली जाती हैं। सो बहुत सारी ऐसी बचपन की बातें याद आएंगी अभी आप लोगों को। चलिए थैंक यू फॉर एक्सपीरियंसिंग इट फॉर योरसेल्फ। हाँ जी वर्षा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। सो आज की असाइनमेंट का अपना दूसरा पार्ट है कि अपने को एक नोट लेना है। आप 10 रुपए का भी ले सकते हो, 5 रुपए का भी ले सकते हो, मतलब डिनोमिनेशन मैटर नहीं करती है। क्या मैटर करता है कि आप कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं उस नोट को हाथ में लेके एक्सरसाइज करने के टाइम पे, कितना थैंक यू, कितना डीप फील कर सकते हैं, उसके ऊपर ही असाइनमेंट है। सो डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी डजंट मैटर, लेकिन पुराना जो अपना नोट बंद हो चुका है वो नोट मत लीजिएगा। सो जो अभी करंट में करेंसी है उसी को लीजिएगा। आप चाहें तो 10 रुपए से भी, 5 रुपए से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, डजंट मैटर। बहुत ज्यादा बड़ा नोट मत लीजिएगा मेरी तरफ से, मतलब 2000 रुपए का नोट मत लीजिएगा, क्योंकि उस ये नोट को अपन कहीं चिपकाने वाले हैं अपने ना बाहर, तो हो सकता है आपके घर में मेड्स वगैरह का कुछ हो, तो प्लीज आप बहुत ज्यादा बड़ी डिनोमिनेशन भी ना ले लें। तो यस, उस पे ये नोट लिखना है अपने को, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। इंग्लिश में भेज दूंगी मैं, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट हैज बीन गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ, मैं भेज दूंगी। हाँ जी, फिर क्या करना है अपने को? आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितनी ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। हाँ, तो अभी कह रही है कि कम से कम 2 बार या फिर जितनी बार भी आप चाहें उसको अपने पर्स में से निकालें। अभी तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, देखिए, तो पर्स में ना रखना चाहें, कहीं दरवाजे क्या बोलते हैं अपने घर में कमरे में रखना चाहें, तो यस प्लीज ऐसा ही करें। उसको अपने हाथ में लें और खूब इसके ऊपर जो लिखा है आपने उसको पढ़ें और खूब सारा थैंक यू फील करें, वाकई में महसूस करें कि सच में यार मेरे मम्मी पापा या जिन्होंने भी हमारा खर्चा उठाया, जो भी अंकल आंटी, जो भी हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आए, जिन मेहमान जिनके यहाँ मेहमान बन के गए और उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमारी आवभगत की, उनके भी तो पैसे खर्चा हुए, तो उन सभी के लिए खूब सारा थैंक यू फील करें कि कभी किसी ने आज तक गिनाया नहीं हमारे को कि देख तेरे बचपन में मैंने पैसे खर्चा किए थे, जब तू नहीं कमाता था या तू नहीं कमाती थी तब मैंने तेरे ऊपर पैसे खर्चा किए थे। सो उन सभी लोगों के लिए खूब सारी धन क्या बोलते हैं कृतज्ञता महसूस करें, ग्रेटफुलनेस महसूस करें। जितनी कृतज्ञता अपन महसूस करेंगे उतनी जल्दी मैजिक्स आएंगे। सो द डिग्री ऑफ योर ग्रेटिट्यूड विल डिसाइड द स्पीड ऑफ द मैजिक्स इन योर लाइफ। दीदी, हम
सुबह मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड्स में भी तो लिख सकते हैं ना. थैंक यू टू दैट दोस पीपल. हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो. वो अपनी ब्लेसिंग्स ही हैं कि वो हमारी लाइफ में हैं. आई मीन उस समय थे और अभी भी बने हुए हैं. यस बिल्कुल लिख सकते हो. सो ऐसे लिख सकते हो, थैंक यू पापा फॉर स्पेंडिंग ऑन माय स्कूल फीस बिकॉज ऑफ विच नाउ आई एम एडुकेटेड. सो थैंक यू पापा फॉर गिविंग मी स्कूल बैग. लाइक दैट यू कैन राइट. थैंक यू. आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों से में भारी बदलाव देखेंगे. आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि आप कि वह आपका था. आपको अब प्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं. आपको कोई चीज डिस्काउंट रिबेट या कम लागत में मिल सकती है. आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता. सो मैजिक्स कैसे भी आ सकते हैं. सबसे मेरा यू नो बोलते हैं फेवरेट डायलॉग एग्जांपल जो है वो है पड़ोसी हमारे को सब्जी बना के ला के दे देता है. सो पड़ोसी ने सब्जी बना के ला के दी, हम उसकी इस एक्ट के लिए थैंक यू तो जरूर बोलते हैं कि उन्होंने सब्जी बना के लाके दी. पर क्या आपने कभी इस तरीके से सोचा कि उन्होंने अगर पनीर की सब्जी बना के लाके दी तो ना आपको पनीर खरीदना पड़ा, ना आपको टमाटर खरीदना पड़ा, ना आपको मेहनत करनी पड़ी, ना कुकिंग गैस खर्चा करना पड़ी, ना मसाले खर्चा करना पड़े और फिर भी सब्जी आपको खाने को मिल गई. सो ये भी तो एक टाइप ऑफ धन ही हुआ ना जो आपने बचा लिया. किसी और ने बनाया आपको दे दिया ला के, तो ये भी तो एक एनर्जी हो गई ना अपने पास में जो आई. सो खाना भी एनर्जी है. सो धन किसी भी प्रकार से आ सकता है आपके पास में. आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे, पहचानना होगा ऐसे सभी सर्कमस्टेंसेस को और थैंक यू बोलना होगा आपसे कि हाँ आज तो मेरे घर में ये पनीर की सब्जी आई और मेरे पैसों में बरकत हो गई. सो थैंक यू ऐसे बोलना पड़ेगा अपने को. सो जितने ये छोटे छोटे मैजिक्स अपन पकड़ेंगे, थैंक यू बोलेंगे, उतने बड़े बड़े मैजिक्स आने में टाइम नहीं लगाएंगे फिर. यस आज के बाद आप जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे. यह कभी ना भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं. धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता. एब्सोल्युटली. सो धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता, जितना डीप फील करेंगे, जितनी ज्यादा बार फील करोगे थैंक यू, उतनी जल्दी जल्दी मैजिक्स हमारे धन में आएंगे. यदि आप खुद को ऐसा स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी. एब्सोल्युटली. सो कभी भी आपको जलन महसूस हो रही होने वाली है या हो रही हो, या थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है, वरी हो रही है पैसों के मामले में, या अपने फ्यूचर को लेके, या अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को लेके, या कोई डील साइन होने को लेके, तो अपने आप से बस यही सवाल पूछेगा कि मैं नेगेटिव इमोशन में हूँ तो क्या मैं अपना ये नुकसान करने के लिए रेडी हूँ? अगर हाँ तो ठीक है, स्ट्रेस में रहिएगा, वरी में रहिएगा, चिंता करते रहिएगा. और अगर ना कि नहीं मैं नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जी को नहीं इनवाइट करना चाहता, तो फिर तुरंत अपने इमोशंस को बदलिएगा बाय यूजिंग योर सीक्रेट मूड शिफ्टर्स. अब वो गाना सुन के आप मूड ठीक करें, चाहे थैंक यू लिख के आप मूड शिफ्ट, ग्रेटिट्यूड जब अपन लिखने बैठ जाते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज, कभी आपका मूड खराब हो तो लिखने शुरू करते हैं तो भी मूड में हैप्पीनेस आ जाती है, मतलब मूड शिफ्ट हो जाता है. कभी आप अपने मम्मी से बात करके भी मूड शिफ्ट कर सकते हैं. कभी अपने आप लोग मम्मी आए तो मैं बोलती हूँ बेटियों से बात करके आपका मूड शिफ्ट हो सकता है, बच्चों से बात करके मूड शिफ्ट हो सकता है बिल्कुल, पानीपुरी खा के मूड शिफ्ट हो सकता है, अच्छा खाना खा के आपका मूड शिफ्ट हो सकता है. सो कोई अच्छा भजन लगा लो, कोई कुछ भी कर लो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो,
ये एक बहुत कॉमेडी सीरियल आता है इस पे, कलर्स पे, कपिल शर्मा का जो शो आता है, तो वो देखने बैठ जाओ, देखो कैसे तुरंत अपने वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। और आपकी जो शिकायत करने की जो एक वो होती है, बार बार अपन रोकेंगे अपने आप को कि नहीं शिकायत नहीं करनी है, नहीं क्रिटिसाइज नहीं करना है, नहीं ये नहीं नेगेटिव नहीं बोलना है धन के लिए। जितना आप अपने आप को रोकोगे उतनी ही आपकी फिर शिकायतें निकलनी कम हो जाएगी। पहले आपके विचारों में शिकायत आती है, बाद में शब्दों में आती है, तो जब विचारों में ही आनी बंद हो जाएगी तो शब्दों में तो आनी वैसे ही बंद हो जाएगी। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं वो तो पढ़ लिया। जहां आप, ये पढ़ लिया ना मैंने, आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे या नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। कोई भी फॉर्म में आए पैसा हमारे पास में, अभी यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है ना, तनख्वाह सैलरी कभी भी आती है तो क्या हम थैंक यू बोलते हैं? जब बैंक अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हो जाती है, मैसेज आता है जैसे ही, तो स्माइल जरूर करेंगे कि चलो पैसे आ गए, लेकिन थैंक यू नहीं बोलते अपन। टैक्स रिफंड आता है, कभी थैंक यू नहीं बोलते अपन। डिस्काउंट मिलता है तो अपने को लगता है कि ये तो अपना लक अच्छा था, या मतलब कुछ इस तरीके की बातें आएंगी अपने दिमाग में, लेकिन थैंक यू बोलना दिमाग में नहीं आता है अपने को। बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर मिल जाता है तो अपने आप को अपन लक्की समझते हैं, लेकिन थैंक यू नहीं बोलते हैं अपन। कोई उपहार में देता है कोई चीज़ तो उसकी ये कैसा दिया, वो कैसा दिया, ऐसा क्यों नहीं दिया, वैसा क्यों नहीं दिया, ये जरूर कर लेंगे अपन, लेकिन उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं। मतलब मन से ऐसे तो बोलेंगे ही थैंक यू ऊपरा ऊपरी तो, कि थैंक यू आपने गिफ्ट दिया, लेकिन शिकायत जरूर करते हैं उस गिफ्ट की कि ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, ऐसा कोई देता है क्या वैसा कोई ना करें। आप उपहार की नहीं कर रहे हो, आप उपहार जिन पैसों से खरीदा गया उन पैसों की शिकायत कर रहे हो। सो बिल्कुल बंद कर दें ये सब चीजें, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है, ये बात एकदम समझ लीजिए कि पैसा सिर्फ एक एनर्जी है जिसके बदले में आप कुछ खरीद सकते हो, पैसा एक्सचेंज करते हो आप किसी चीज के बारे में। अदरवाइज अगर आपने एक्सचेंज नहीं किया तो वो पैसा पैसा ही है बस। कहने को शायद अभी मेरे पास में अभी ये ब्रीफ केस में 10 लाख रुपए पड़े होंगे, लेकिन वो पैसा सिर्फ पैसा ही है। वो पैसा तब जब मैं कुछ चीज खरीदूंगी ना उसके बदले में, तब वो पैसे का मतलब धन की कोई मजे मजे की बात है, वरना तो क्या मजे की बात है। अब डिमोनेटाइजेशन हुआ, रह गए मेरे 26,000, ऐसे कैसे क्या करूं अब उस 26,000 रुपए का, कोई वैल्यू नहीं है उस कागज की, कागज के टुकड़े बन गए वो। जब जब मैं उसके बदले में कोई चीज ही नहीं खरीद सकती तो वो सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए। अब उसके बदले में कोई चीज खरीदने का मेरे पास में पावर हो तो उसकी कुछ वैल्यू है। सो अपने आप में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आप उसको खर्च करके अपने लिए कोई सुख सुविधा ना खरीद सके। तो इसलिए हर सुख सुविधा जो आपकी हो, आपकी लाइफ में आई हो, या आपके कलीग की लाइफ में आई हो, या आपके बिजनेस पार्टनर की लाइफ में आई हो, या आपके फ्रेंड्स की लाइफ में आई हो, पड़ोसी की लाइफ में आई हो, थैंक यू बोलो, ब्लेस करो, हर किसी की खुशी में खुशी रहो। उसने घर खरीद लिया, वेरी गुड, थैंक यू, और ये घर तुम्हें फले फूले। किसी ने गाड़ी खरीद ली, वेरी नाइस, खूब खुश हो जाओ, खूब थैंक यू दो कि भैया तुम्हारे को खूब फले ये गाड़ी। फिर देखो कैसे अपन अपनी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज इनवाइट करते हैं। यस जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियमितें गिनें। 10 नियमितों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। क्रमांक 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए मिल गई थी। क्रमांक 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था,
तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। क्रमांक 4, एक डॉलर का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर दिया गया है। क्रमांक 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। क्रमांक 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे ताकि आपको अपनी जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। क्रमांक 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू बर्षा, धन्यवाद। आप सबकी हिंदी अच्छी है, जबरदस्ती डर रहे थे हिंदी बैच के लिए रजिस्टर करने में। या थैंक यू। सो मैजिक रॉक की एक्सरसाइज अपने को आज रात को करके सोना है, काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज अपने को कल सुबह करनी है, और अभी एक नोट बना लीजिए आप लोग, ये क्या बोलते हैं करेंसी नोट, चाहे आप 50 रुपए लो, 100 रुपए लो, जो भी लो, और उसके ऊपर एक पोस्ट इट लगा दो, उस पे लिखो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और इस नोट को ना मैं कहती हूँ एक A4 साइज शीट के कॉर्नर्स काट के ना चिपका लो अपने कबर्ड की वॉल पे, या जहाँ तिजोरी होती है, या जहाँ भी आप लोग अपना रखते हो उसके दरवाजे पे चिपका लो। जैसे अपन लक्ष्मी गणेश जी चिपका लेते हैं अपने दिवाली की पूजा के बाद में, मतलब हमारे घरों में तो वो होता है, तो वैसे ही इसको चिपका लो। और जब भी पैसा निकालो उस ड्रॉर में से थैंक यू बोलो, जब भी पैसा वापस रखो थैंक यू बोलो, जब अपने वॉलेट से पैसा निकाल के किसी को दो थैंक यू बोलो, जब पैसा वापस चाहे वो चेंज ही क्यों ना दे रहा हो थैंक यू बोलो। अब एक रह गया अपना इसमें कि नेगोशिएशन, सब्जी वाले से अपन ने नेगोशिएशन कर ली कि भैया इतना महंगा कौन देता है, ये वो अपन भी बोलते ही हैं, डेफिनेटली बोलते हैं ये सारी चीजें। सो ट्राई करें कि ऐसे ना बोलें कि इतना महंगा कौन देता है, वो तो इतने में दे रहा है, ऐसा ना बोलें। आप क्या देना चाहते हो वो बता दो कि भाई मैं तो इतना दूंगा, तो बता वो फिर अपने में बदले में जो भी बोलेगा। फिर फाइनली जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ, सपोज 22 रुपए बोल रहा था वो और आप 20 रुपए बोल रहे थे, 21 रुपए डिसाइड हुआ, सो 21 रुपए में 1 रुपया ऐड करके उसको खूब सारा ब्लेस कर दो। दरमुलाई करने के बाद में 1 रुपया ज्यादा ही दे दो, चाहे वो सब्जी वाला हो चाहे वो कोई भी हो, नेगोशिएट करो बिल्कुल करो, लेकिन उसमें 1 रुपया ऐड करके ना ब्लेसिंग दे के उस ट्रांजेक्शन को पूरा करो। यस, एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टुडेज चैप्टर, मनी, शिकायत करने का कोई और एग्जाम्पल जो अपने को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रोकें अपने आप को शिकायत करने से? अभी आज के नोट पर उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उसका जो नोट बनाएंगे वो कागज पे एक पॉलीथिन में लेमिनेट करके नोट को लगा के, और उसके नीचे कागज पर अगर ये नोट लिख दिया कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया, हाँ, चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैंने ऐसे ही कर रखा है, मैंने A4 साइज के कॉर्नर्स काटे, नोट फसाया उसके अंदर और A4 साइज में ही नीचे लिख दिया, क्योंकि वो ऊपर पोस्टेड है ना, कुछ दिनों के बाद में चेप खत्म हो जाता है उसका, वो उतर जाती है। तो आप कर सकते हो ऐसा, आप स्टेपल भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को वो नोट वापस यूज नहीं करना है कभी भी, आप चाहते हो कि वो लकी नोट बना रहे आपका, तो हाँ आप स्टेपल भी कर सकते हो उसके। यस अनु, हाँ जी, जो हम लोग सुबह नियामत लिखते हैं वो जैसे रात को लिख के सुबह खाली पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह ही लिखना है? ये स्टेपलर देना, एक मिनट विनीश जी प्लीज मेरे पे जाइए। क्या बोला, सॉरी आपने, रात को लिखो, रात को पढ़ो और सुबह लिखो, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, जैसे सुबह मतलब क्या नींद में रहते हैं ना, तो लिखने का वो थोड़ा सा, तो सुबह पढ़ सकते हैं, रात को अच्छे से लिख लें 30 टाइम्स धन्यवाद और बाकी 10 टाइम्स जो लिखना है लाइनें, ऐसा नहीं? एक्चुअली फिर आपके रात के काम बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी जो अफर्मेशंस आप सुनोगे वो भी आपको रात को ही सुनने हैं,
फिर आप क्या मतलब 8:30 बजे से बात ही नहीं करोगे क्या अपने फैमिली से, अफर्मेशन सुनोगे, मैजिक रॉक करोगे, ये भी करोगे? वो लेट होता है, ऐसा हो कर सकते हो आप, यस, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रात को भी एक्टिव रहता है, लेकिन अच्छा असर आपका सुबह ही आएगा इसका। वैसे करने में तो यस आप कर सकते हो, पर बुक में भी लिखा है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, तो यस आपको सुबह ही करना चाहिए। और थोड़ा सा अगर नींद का हो रहा है आपको, तो थोड़ा अलार्म 15 मिनट पहले का सेट कर लो, कुछ ऐसा कर लो। ठीक है, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, यस, थैंक यू। हे आनु, हां जी, आई विल सेंड द इंग्लिश वर्जन ना ऑफ व्हाट आई हैव टू राइट ऑन द नोट। यस यस, आई विल सेंड। ओके, यस, एनी अदर क्वेश्चन? वो मैं बोल रही थी आज का वो नियमते थोड़ा मैं मिस कर दी हूँ, हुआ नहीं मेरे से, तो रात को कर, अभी के अभी करो, अभी के अभी करो, जितने जल्दी हो सके करो, सेशन खत्म होते ही लिखो उनको बैठ के, मत करो मत करो, गुच्ची नहीं चाहिए उसमें बिल्कुल भी, 21 डेज तक बिल्कुल ब्रेक नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, ठीक है, यस, एनी मोर क्वेश्चंस? नया थोड़ी सी ज्यादा लिख देना आज, पनिशमेंट। यस, एनी मोर क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज? माचा जी, हाँ बोलिए। आज के टॉपिक पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर बार्गेन करके पैसा उसको ही देना है वापिस, तो बार्गेन ही क्यों करे, क्यों एनर्जी वेस्ट करे? नहीं, बार्गेन अपन 1 रुपए के लिए तो नहीं करेंगे ना, 5 रुपए के लिए तो मिनिमम करेंगे ना। आज भी जो उसको वापस देना, तो फिर क्यों 5 वापस नहीं देने, 1 ही वापस देना है। मतलब जितना अपन ने फाइनल किया प्राइस, उससे थोड़ा सा ऊपर दे दो, बस वो बात है कि वो भी खुश कर, खुश हो जाए वो भी। वैसे तो हाँ, मैं और ललित बार्गेन नहीं करते हैं ज्यादातर, ललित को तो पसंद ही नहीं है, उसको तो टाइम वेस्ट लगता है। नहीं, इस चीज के लिए मैं भी एक चीज बोलूंगी कि आज हम कभी किसी मॉल में, जैसे रिलायंस मार्ट है या किसी में भी कहीं भी सब्जी लेने जाते हैं, वहां हम बिल्कुल बार्गेन नहीं कर सकते। Absolutely. वहां जो प्राइस लिखा है वही प्राइस में हम भी लेते हैं। Yes. सिर्फ उठाते हैं, बास्केट में डालते हैं, बिलिंग कराते हैं। तो हम जो ये छोटे गरीब, मतलब जो लोग होते हैं जो रोड पे बैठ के, तो उनके साथ आई थिंक हमें बार्गेन करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो पालते हैं अपने फैमिली को। हाँ, ठीक है, वो आपको लगता है कि बहुत हाई रेट बोल रहे हैं, आपको मालूम है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो कोई मजबूरी में बोल रहा है, तो उनसे बार्गेन मत करो। जब हम बड़े लोगों से नहीं कर सकते, तो उनसे क्या करना, यदि हम सक्षम हैं, तो यदि हम सक्षम हैं उस चीज के लिए, तो आई डोंट थिंक कि वी शुड बार्गेन। या वही मेरे हस्बैंड का भी वही है, वो बिल्कुल बार्गेन नहीं करते हैं। मैं कभी नहीं करती, उल्टा जेब में जितने होते हैं उतने और दे देंगे। मतलब अगर बोलेंगे ना, इतना भी नहीं देती, 90 रुपए में चीज होती है ना, तो 100 का चेंज ही नहीं लेते हैं वो वापस। वो चलता है, लेकिन हाँ, मतलब बार्गेनिंग आई डोंट थिंक कि करना चाहिए हमें, इन लोगों से नहीं करो जहाँ। अब जैसे आप लोग बिजनेस करते हैं, तो क्लाइंट से जब डील साइन करते हो, तो यस, बार्गेनिंग होती होगी, डेफिनेटली होती होगी, लेकिन जो भी फाइनल हुआ है प्राइस, उसमें कुछ 500 रुपए ऊपर उठा के दे दो उसको, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ऐसे कर सकते हैं, पर हाँ, छोटे वालों से तो डेफिनेटली मैं भी यही बोलूंगी, बार्गेन मत ही कीजिए। एक बार मैंने 1 रुपए के लिए लड़ाई कर ली थी एक ऑटो वाले से, 17 रुपए आया था, और उसने बदले में मुझे 20 का चेंज में 2 रुपए दिए, तो 1 रुपए के लिए मैंने लड़ाई कर ली। मैंने इतनी डांट खाई उस दिन मेरे हस्बैंड से, कि मैंने जिंदगी में कभी बार्गेन ही नहीं किया, कभी कुछ लड़ाई नहीं करी, चेंज दिया तो ठीक, नहीं दिया तो नहीं ठीक। नहीं, बट मैं जहाँ ये जो चीज होती है, शॉपकीपर्स, जो बड़े शॉपकीपर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, यदि आपने 100 रुपए दिया, आपका 98 का बिल है, तो वो 2 रुपए कोशिश करते नहीं दे, मैडम चेंज नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं भैया, रहने दो। बट वहां मैं जरूर मांगती हूँ, भैया तुम्हारे पास नहीं है, नहीं होगा, पैसे तो होंगे। मेरे भी मूड मूड की बात है वैसे तो, पर अभी आजकल तो नहीं है, ऑनलाइन ही हो गया है सब कुछ, तो ठीक है। अभी ऑनलाइन में तो एग्जैक्ट अमाउंट ही भरते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, यस, एनी मोर एग्जांपल्स, सर्कमस्टेंसेस जो
पूछना चाहें कोई? सो जैसे लास्ट बैच में एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि बच्चे लाइट जला के छोड़ देते हैं, तो उनको कैसे बोलें कि भाई लाइट खुली मत छोड़ा करो, बिल ज़्यादा आता है। तो उनको ऐसे ही बोलें कि एनर्जी एनर्जी कंजर्व करो, कुछ करो इस दुनिया के लिए, मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि आजकल की जनरेशन को ना इस दुनिया में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है। तो उनको बोलो शुरुआत यहाँ से करो, फूड वेस्ट मत करो, फूड एक एनर्जी है, वो अपन फूड के चैप्टर में कवर करेंगे वैसे। यस दैट्स इट, चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अभी अफर्मेशंस के दो वीडियोस भेज रही हूँ मैं, आई थिंक इंग्लिश में ही है दोनों, हिंदी में मेरे पास है नहीं, सो मैं ढूंढती हूँ हिंदी में, किसी और ने कुछ अपलोड कर रखा है तो हिंदी वाला भी भेज देती हूँ फिर मैं। किसी और को मिले तो प्लीज वो भी भेज दें ग्रुप में, हिंदी अफर्मेशंस धन के लिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।